Hello, yes, welcome to the Kalakar TV. My name is Shuaib Ahmed, and today we are going to learn the past perfect tense. Samaan maazi mukammal. आज हम पढ़ने जा रहे हैं समान माजी मुकम्मल. ये ऐसा टेंस है जो बताता है हमारा कोई भी काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो. A tense which shows that an action was completed in the past time, that is known as the past perfect tense. या एक accurate definition है इसकी. It expresses that an action completed in the past. कोई भी काम हमारा माजी में गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका हो हम उसे कहेंगे ये समान माजी मुकम्मल का सेंटेंस है. इसकी उर्दू में साइंस है चुका था चुकी थी आ चुके थे. जब भी ये तीन साइंस आएंगे हम समझ जाएंगे ये समान माजी मुकम्मल का सेंटेंस है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. देयर इज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस दैट इज हेड. In this tense, helping verb had can be used with all the subjects. आपने देखा होगा पहले हमने किए हमने past continuous किया था उसमें था was and verb. हम ऐसा कर रहे थे was अलग subject के साथ use कर रहे थे और verb अलग subject के साथ. पर यहाँ पे ऐसा है यहाँ only single helping verb है. हम किसी भी subject के साथ I, we, you, they, he, she, it, us, single name कोई भी हो हम उनके साथ had ही use करेंगे. यहाँ पे देखें यहाँ पे फॉर्मेशन है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड. एक बात हमको मैं आपको बता दूं ये नोट करने की चीज है. जब भी हम टेंस पढ़ रहे हैं हम बारह टेंस पढ़ेंगे. जब भी हम टेंस पढ़ेंगे कोई भी कंटिन्यू का जुमला बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब होगा वो कंटिन्यूस इनफॉर्म वाला होगा. और जब भी हम परफेक्ट का कोई सेंटेंस बनाएंगे कोई भी परफेक्ट हो प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो आप फ्यूचर परफेक्ट हो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में. यहाँ पे देखें जैसे go, went, gone. Has a go is first form, went is second form, and gone is the third form. We can use third form of the verb in the past perfect tense. Has formation, subject plus head plus verb, third form plus object. हम ज़बान माज़ी मुकम्मल जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे हम थर्ड फॉर्म जो तीसरा फॉर्म होता है वर्ब का ये देखें पहला दूसरा तीसरा तीसरा वाला फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का. यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है. शी हैड बॉट फ्लावर्स. शी हैड बॉट फ्लावर्स. यहाँ हमने फॉर्मेशन के हिसाब से सेंटेंस बनाया. पहले पहले फॉर्मेशन में सब्जेक्ट ये शी सब्जेक्ट के बाद लगाइए हेड. ये हमारी हेड है. फिर बॉट ये बॉट बॉट है थर्ड फॉर्म ऑफ द बाय. ये यहाँ पे देखें बी यू वाई ये एक सिंगल वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म है बट हमने थर्ड फॉर्म लगाया है फॉर्मेशन के हिसाब से. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लावर्स. शी हैड फ्लावर्स. उसने फूल खरीद लिए थे या वो फूल खरीद चुकी थी. मैंने आपको पहले भी बताया चुकी थी चुका था या चुके थे ये साइंस है इसके उर्दू में. एक अदर सेंटेंस है यहाँ पे आई हैड रीच्ड एट कराची. मैं पहुंच चुका था चुकी थी और चुके थे यही आएंगे साइंसेस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में. अली हैड घर का काम पूरा कर लिया था या अली घर का काम कर चुका था पूरा कर चुका था. मैंने आपको पहले भी बताया जो काम पूरा होगा पास्ट टाइम में पूरा होगा हम उसी को डेनोट करने के लिए पास्ट. हैज लास्ट सेंटेंस He had gotten the job. He had gotten the job. वो जॉब हासिल कर चुका था. ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करते रहे कलाकार टीवी.